लॉकडाउन नई दुल्हन नहीं है, ये दुल्हन हो गए, उसको 3 महीने हो गए दुल्हन को, और हमने वो दुल्हन के नखरे भी देख लिए। तुम्हारे पेशेंट बढ़ते ही गए ना, तो सॉल्यूशन नहीं है लॉकडाउन, क्योंकि दवा ही नहीं है, कुछ आया नहीं है, और उस साल दो साल दो जो भी जब तक भी चलेंगे, तो ये सॉल्यूशन नहीं है लॉकडाउन। तो मैं लोगों की कोई गलती नहीं है, कोरोना किसने खरीद के लाया नहीं है भाई, तो लोगों को तुम तकलीफ मत दो। हर जगह पे रास्ता बन के, एक इमरजेंसी है किसी को और उसके वहाँ रास्ता ब्लॉक किए ले और उसको हॉस्पिटल में इमरजेंसी जाना है, तो 2 मिनट के डिस्टेंस में उसका हॉस्पिटल है, लेकिन उधर का रास्ता बंद होने के कारण उसको पूरा 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ ममता कार्यालय में, मेयर मैडम के ऑफिस के बाहर। फिरोज खान जी, फिरोज खान जी, क्या मसला आप लेकर के यहाँ पे आए थे, और इजाज़ भाई को क्या मसले के बारे में आपने बोला? मैंने एजाज भाई से ये कहा था कि नया नगर में काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, जो BMC का सर्कुलर आया था उसमें होम डिलीवरी के लिए इजाज़त दी गई थी 9:00 से 11:00 तक, तो उसमें ऐसा हो रहा था कि वो जो पुलिस प्रशासन है वो तकरीबन मतलब दुकानें सब बंद हो जाती थी। अब एक आदमी भी वहाँ पर खड़ा है तो वह आदमी भी खड़े नहीं रहने देते, दुकान का शटर नहीं उठाने देते, तो जब आदेश इधर से आ गया मनपा का तो फिर हम लोग को क्यों नहीं करने दे रहे? कहने का मतलब है कि होम डिलीवरी का ऑप्शन है, लेकिन जो दुकानें हैं, जो जनरल स्टोर की दुकानें हैं, उसका शटर बिल्कुल भी ओपन नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो होम डिलीवरी कैसे करें? तो इस मामले में आपने इजाज भाई से मैंने कांटेक्ट किया, इजाज भाई ने ये बोला। क्या बोलेंगे आप इस पूरे मामले में, आपने किस तरह से बात की मेयर मैडम ने, कुछ एश्योरेंस दिया क्या? ऐसे अलग अलग मसले मुझे फ़ोन आते हैं, तो मैं वैसे भी कुछ दिनों से कमिश्नर साहब का टाइम ले रहा था, आज भी मैं आया लेकिन वो यहाँ नहीं है, तो मैंने महापौर मैडम के सामने बात रखी कि मैडम लोगों के, आज हम लोक प्रतिनिधि बोल के है तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो मतलब नहीं हमारा, तो लोग हमारे पास आते कुछ उम्मीद लेके, तो मैं भी आपके पास उम्मीद लेके आया हूँ कि बड़ा इशू है कि कानून बनता है लेकिन उसको किस तरीके से लागू करके लोगों से कैसा प्यार मोहब्बत से अपने को उनको समझा के, अगर वो कानून का उल्लंघन करते तो प्यार मोहब्बत भी तो चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि उनको फाइन लगाए, उनका दुकान सील करे। अरे लोगों की कोई गलती नहीं है, कोरोना किसने खरीद के लाया नहीं है भाई, तो लोगों को तुम तकलीफ मत दो। तो मैंने ये बात अभी मैडम से, मेयर मैडम से रखी, मेयर मैडम ने तुरंत यहाँ के पानपटे साहब है, शायद डिप्टी कमिश्नर है, मुट्टे साहब है, उनको भी डिप्टी कमिश्नर है, उनको भी तुरंत बुलाए और उनको निर्देश दिए। मेरे 4 मुद्दे थे, एक तो जैसा कि भाई ने बोले कि शटर पूरा बंद रहेगा तो होम डिलीवरी कैसा देगा, और शटर बंद रहेगा आदमी ऐसे ही मर जाएगा अंदर, उसको वेंटिलेशन नहीं रहेगा तो, और शटर पूरा पैक रहता है, बराबर है, हाफ शटर खोल के वो कस्टमर को नहीं लेते हुए वो अगर होम डिलीवरी देता है तो उसको करने दो। दूसरी बात है कि आज हर जगह पे रास्ता बन के, एक इमरजेंसी है किसी को और उसके वहाँ रास्ता ब्लॉक किए ले और उसको हॉस्पिटल में इमरजेंसी जाना है, तो 2 मिनट के डिस्टेंस में उसका हॉस्पिटल है, लेकिन उधर का रास्ता बंद होने के कारण उसको पूरा 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ये चीज़ ये एक मैंने मांग रखी, और मेरी मांग है कि लॉकडाउन मत करो, मैं तो इस खिलाफ हूँ लॉकडाउन के, क्योंकि लॉकडाउन जब 3 महीने, नए नई दुल्हन नहीं है लॉकडाउन, लॉकडाउन नई दुल्हन नहीं है, ये दुल्हन हो गए, उसको 3 महीने हो गए दुल्हन को, और हमने वो दुल्हन के नखरे भी देख लिए। तुम्हारे पेशेंट बढ़ते ही गए ना, तो सॉल्यूशन नहीं है लॉकडाउन, क्योंकि दवा ही नहीं है, कुछ आया नहीं है, और उस साल दो साल दो जो भी जब तक भी चलेंगे, तो ये सॉल्यूशन नहीं है लॉकडाउन। तो मैंने हमारे यहाँ के जो अधिकारी उनके सामने बात रखी, उन्होंने ये बात को माना भी कि हाँ वाकई में लोगों को प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। दूसरी बात है होम क्वारंटाइन, कि किसी के घर में पॉजिटिव मिल जाता है और उसको पॉजिटिव मिलने के बाद, वो एडमिट होने के बाद 3-4 दिन के बाद फ़ोन आता है घर पे सिस्टर लोग का, लेकिन आज उसके पहले भी होम क्वारंटाइन थे जिसको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो वो अपने घर में है, फैमिली के साथ डिस्टेंस रख के है और अच्छे भी हुए। लेकिन इस बार अभी नए आयुक्त का नया फरमान है कि उसको होम क्वारंटाइन में सेंटर में डालो, और लोग जाने से डरते हैं। जिनके घर में, अभी मेरे को एक फ़ोन आया कि उसके हस्बैंड है बांद्रा में, एडमिट है, सिर्फ गले में खराश था, उसको पॉजिटिव दिखा, बोलते ऐसा हमारा कुछ है ही नहीं, जैसा कि जो सिम्टम दिखना मांगता ऐसा नहीं है, 2 छोटे बच्चे में औरत है, बोले मैं क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जा सकती हूँ, लेकिन उनको फ़ोन आ रहा है जबरदस्ती कर रहे कि आ जाओ आप लोग रहे हो। और एक फैमिली ऐसे कई लोग हैं जो नहीं जाना चाहते, जो डर रहे, कई लोग तो ऐसे डर के मर जाएंगे,
तो मेरी वो एक रिक्वेस्ट थी कि लोग होम ज़्यादा वो सीरियस नहीं है, ज़्यादा उनको वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए तो उनको होम क्वारंटाइन करो। इसके पहले भी कहीं पॉजिटिव दिखाए थे, जो हस्बैंड हॉस्पिटल में था, वाइफ को बच्चे के साथ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। आप जबरदस्ती लोगों को पैनिक मत करो, परेशान मत करो, उनकी उनकी भावना को भी समझो, उनकी मजबूरी को भी समझो, जबरदस्ती कोई करो मत। मेरी ये रिक्वेस्ट थी, तो मैं ये चार ऐसे पॉइंट रखा मैडम के सामने और मैडम ने इसको एक्सेप्ट भी बोले कि मैं अधिकारी को बुला के और डिस्कस भी हुआ। थैंक यू सो मच दोस्तों। इन्होंने जो है इजाज़ खतीब ने कुछ तीन चार मुद्दे पे वर्कआउट किया था और ये सारे मुद्दे लोगों से जुड़ा हुआ है। एक तो ये बातें इस बात की मतलब बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने फ़ोन हमें भी किया था कि जो राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकानें का शटर जो है पूरी तरह से बंद रखने के लिए कहा गया और आप अंदर रहो। मतलब अगर आप सोचिए कि जो इस तरह की दुकानें होती हैं उसमें वेंटिलेशन नहीं होता है और अगर वो दुकान बंद रखेंगे, पूरा शटर डाउन करके पूरी तरह से बंद रखेंगे तो वो तो ऐसे ही मर जाएंगे। दूसरा जो सवाल है कि अगर वो शटर थोड़ा सा भी उठा के रखते हैं तो पुलिस आ जाती है उस पर कार्रवाई करने के लिए, तो फिर वो होम डिलीवरी कैसे करे? तो ये एक मुद्दा था। दूसरा एक जो है मुद्दा जो लॉकडाउन का है, तो इस बार जो है लॉकडाउन से भी लोग बहुत परेशान हैं। हमें ऐसे 100 से ज़्यादा कॉल आए जिन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन हो करके भी ऐसा थोड़ी होता है कि कोरोना का पेशेंट आना कम हो जाता है। जब लॉकडाउन और अनलॉक दोनों में वही है तो पब्लिक बीच में क्यों परेशान हुए? कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है। तीसरा इन्होंने एक और मुद्दा रखा है यहाँ पे कि होम क्वारंटाइन। अभी कैसा होता है कि बहुत सारे आप देखते होंगे फैमिली में किसी एक को पॉजिटिव केस हो जाता है तो उनके पूरी फैमिली को क्वारंटाइन किया जाता है। अभी इसमें एक जो ऑप्शन रखा गया था कि जिनके पास बड़ा घर है जो रख सकते हैं अलग उनको रख सकते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाए, तो ये अब इस बीच में अभी जो है होम क्वारंटाइन हो रहा था और अचानक ऐसा आदेश आता है कि नहीं अब होम क्वारंटाइन नहीं, अब आपको क्वारंटाइन से। तो अगर जिसके घर में होम क्वारंटाइन यानी घर बड़ा है और कर सकते हैं, जिनको माइल्ड सिम्टम है या ना के बराबर सिम्टम है, तो उनको घर में होम क्वारंटाइन होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि आम जनता पे कहीं ना कहीं जाती है। तो ये कुछ इस तरह के मुद्दे को इन्होंने जो है आयुक्त सर तो नहीं थे यहाँ पे, तो इन्होंने जो है मेयर मैडम के सामने रखा। मेयर मैडम ने इससे रिलेटेड जो अधिकारी है उनको बुलाया भी, उनको बातचीत भी की और उन्हें ये सारे मसले पे उन्होंने कहा कि हम इस पे बात करके जल्द से जल्द जो भी रिलैक्सेशन होगा हम सारे डिपार्टमेंट के लोगों से बात करके रिलैक्सेशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।